व्लॉग। और अभी हम लोग आए हैं एक्वा विलेज वाटर पार्क में, जो कि है राजनांद गांव में। और ये जो वाटर पार्क है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। और यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्लाइड्स है, फुल इंजॉयमेंट और फन का वाटर पार्क है ये। यहाँ आप मस्त वन डे, मतलब यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे फूड कोर्ट्स सब की पूरी अच्छे से सुविधा है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं एक्वा विलेज वाटर पार्क में। तो आज के इस ब्लॉग में आपको यहाँ का टिकट्स, यहाँ का जो आपको अपने प्लेस से यहाँ तक कैसे आना है, पूरा रूट मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहना व्लॉग में, भूल ना जाओ इसलिए अभी से एक लाइक कर दीजिए। यहाँ की टिकट है मंडे टू फ्राइडे एडल्ट 500 रुपीज और चाइल्ड 400 रुपीज है, और सैटरडे संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज एडल्ट की 600 रुपीज है और चाइल्ड की 500 रुपीज टिकट है। और सैटरडे संडे का जो टाइमिंग है वो 10:30 AM to 6:30 PM है, और जो मंडे टू फ्राइडे वाला जो टाइम है वो 10:30 AM to 5:30 PM है। हम लोग ले रहे हैं टिकट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और नेक्स्ट लेवल वाला फील आ रहा है। वाटर पार्क के अंदर एंटर करते हैं, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, मिनी कैसा लगा। और अभी हम लोग आए हैं अंदर, और अभी हम लोग ले रहे हैं लॉकर, चुके हैं लॉकर लेने। इस साइड पर है लॉकर, हम लोग को लॉकर के लिए, एक लॉकर के लिए 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। फिर जब हम लोग की रिटर्न करेंगे तो हमको 100 रुपीज रिफंड मिलेगा। हमारा जो लॉकर है वो इलेक्ट्रॉनिक लॉकर है, बहुत ज्यादा सुंदर की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको हम लोग को टच कराएंगे तो खुल जाएगा। फाइनली एंटर कर चुके हैं यहाँ पर, और बहुत ज्यादा सुंदर है यहाँ पे, हम लोग फुल एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम लोग फ्लोटिंग ट्यूब्स वाली साइड में है, इसमें हम लोग को ट्यूब के ऊपर बैठना रहता है। हम लोग पूरा ऐसे एक चक्कर लगाते हैं ये पानी के ऊपर, तो जो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एकदम बोट वाली फील आती है। यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स वैरायटी है, और ये जो येलो वाली आप देख सकते हैं, देखिए कितने ज्यादा मस्त है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग येलो वाली स्लाइड ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे और भी स्लाइडर्स है, ये वाली जो स्लाइड है इसमें ट्यूब में बैठाते हैं और बहुत ज्यादा मस्त राइड कराते हैं। अभी कुछ लोग राइड के लिए रेडी भी, और देखते हैं स्लाइड कैसी रहती है। लूप, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी स्लाइड है, और देखते हैं यहाँ पे लोग कैसे आते हैं और कैसे स्लाइड को एंजॉय करते हैं। अभी मिनी स्लाइड से आ रहा है, और देखते उसका रिएक्शन कैसा रहता है। देखिए गाइस कितना मजा आ रहा है उसको। और अभी मम्मी स्लाइड से आ रही है। अभी रेन डांस भी स्टार्ट हो चुका है, और चलते हैं रेन डांस के भी मजे लेते हैं। यहाँ पे रेन डांस स्टार्ट हो चुका है, और आप देख ही सकते हैं कि लोग कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। चारों तरफ से शावर वाला, मतलब वाटर आ रहा है, और लोग उसके नीचे डांस कर रहे हैं, और मस्त मस्त यहाँ पे म्यूज़िक बज रहा है।
बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया और अभी स्टार्ट होने जा रहा है वेव पूल, सबके आप एक्साइटमेंट देख ही सकते हैं। ओशन में वेव्स आती है ना, तो जो वेव पूल है वो पूरा ओशन का वाइब देने वाला पूल है और इसीलिए लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि जैसे ही वेव पूल का सायरन बजता है वैसे ही लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं। एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग आ चुके हैं किड्स वाले सेक्शन में और यहाँ पे जो नॉर्मल स्लाइड्स है वो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी मिनी आए हैं स्लाइड्स में और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऑर्डर भी कर सकते हैं और बहुत सारी यहाँ पे डिशेज है, यहाँ पे फूड कोर्ट का मेन्यू भी है। दीदी हमने वाटर पार्क बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा मजा है, तो वाटर पार्क जो है उसमें कौन सी चीजें स्पेशल है? जो हमारा सबसे एक्साइटिंग राइड है वो एक्वा लूप है। एक्वा लूप की राइड के लिए ही मोस्टली हमारे कस्टमर्स आते हैं एंड आप आ सकते हैं वेव पूल के लिए, रेन डांस के लिए 12 डिफरेंट टाइप की राइड्स भी है हमारे यहाँ, बच्चों के लिए अलग से पूल एरिया भी है हमारे यहाँ एंड हमारा एडवेंचर पार्क सबसे फेमस है। एडवेंचर पार्क में 54+ एक्टिविटीज़ हम कवर करते हैं बच्चों की और बड़ों की मिला के, आप आइएगा बिल्कुल। और कॉटेजेस भी है स्टे के लिए, रिजॉर्ट्स है हमारे यहाँ। व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक्वा विलेज बहुत ज़्यादा फन डेस्टिनेशन आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे मस्त मस्त वाटर स्लाइड्स और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ है, छोटे बच्चे लोग के लिए तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सबको और छोटे से लेकर सबसे बड़े तक सबको यहाँ पे मज़ा आने वाला है। और इतनी सारी यहाँ पे स्लाइड्स है, वैरायटी है, आप देख ही सकते हैं। आप जैसे स्टार्टिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे चले जाइए तो इससे वार्म अप हो जाएगा और फिर आप पूरा पूल एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फन डेस्टिनेशन है यहाँ पे, वेव पूल्स और रेन डांस, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है। एक बार आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना और अगर आपको अपने डेस्टिनेशन से यहाँ तक आना है तो उसके लिए जो मेरा व्लॉग है एक अलग से मैंने बना रखा है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। वो उसके पहले मैं आपको दुर्ग टू राजनांदगांव का पूरा रास्ता बता दिया हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद जो है बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।